स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला लिया है। छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि फैसला तो सही है, लेकिन सरकार को भी गीता के उपदेशों को मानना चाहिए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। गुजरात के स्कूलों में अब भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। अब गुजरात के सभी स्कूलों में छठी क्लास से बारहवीं क्लास के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किया गया है। हालांकि अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस और पाठ तय किया गया है। और 6 से 8 में उसका परिचय, सर्वांगीण शिक्षा, वो पाठ्य पुस्तक में डालेंगे। 9 से 12 उसका परिचय और प्राथमिक भाषा वार्ता के रूप में, पठन के रूप में, पाठन के रूप में हम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पठन और पाठन वो प्रार्थना में भी हम आने वाले दिनों में प्रार्थना में रखेंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में भगवद गीता पर आधारित प्रतियोगिता और श्लोक गान, श्लोक पूर्ति, निबंध, नाट्य, प्रश्नोत्तरी जैसे रचनात्मक गतिविधियों को भी शामिल करने की बात कही। गुजरात सरकार ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कुछ ही महीनों बाद यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में फैसले पर सियासत होना लाजिमी है। बात क्योंकि सर्वस्वीकार्य भगवद गीता की है, इसलिए कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है, लिहाजा कांग्रेस ने भी फैसले का स्वागत किया। हालांकि कांग्रेस ने सरकार को नसीहत भी दी डाली कि गीता के सिद्धांतों पर अमल भी करें और अपनी शिक्षा व्यवस्था का आकलन करें। कि परिस्थिति का सामना करने के लिए परिस्थिति का स्वीकार करना बहुत जरूरी है, और आज सरकार ये परिस्थिति के स्वीकार करने की बजाय उनके सामने भागती है। और इस तरह के जो फैसले हैं, ये फैसले सिर्फ कागज पे रह जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में ये जीरो होते हैं। कांग्रेस भले ही थोड़े हिचक के साथ गुजरात सरकार के फैसले पर मुहर लगा रही है, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी ने खुलकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वो बहुत अच्छी बात है, बच्चे को इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वो हमारी आध्यात्मिक रुचि, हमारी जो संस्कृति है, उसको बहुत अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, और उसमें हमारे जो इतिहास है वो क्या था, उसमें वो अच्छी तरह से रुचि रख सकेंगे। इसलिए वो बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वीकार करते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो तय है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया इस ग्रंथ की ताकत को मानती है। अहमदाबाद से सौरभ वक्तारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पूरे देश में होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। देश के अलग अलग कोनों से रंगों से सराबोर तस्वीरें सामने आई। होली के हुड़दंग के बीच कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। देखिए, काशी में होली का रंग सुबह होते ही गंगा घाट की सीढ़ियों पर दिखाई देने लगा। खासकर काशी के 80 घाट पर अबीर गुलाल और रंग उड़ने लगे। इस दौरान क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी लोग होली के एक ही रंग में रंगे नजर आए। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पीछे नहीं रही और खूब जम कर होली का लुत्फ उठाया। बंगाल के आसनसोल में होली की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर भी महिलाएं मस्ती के साथ होली मना रही हैं। यहाँ पर होली खेलने के लिए फूलों और अबीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मनाए और सबके साथ खुश होकर मनाइए। रंग के उत्सव है, सबके दिलों में, सबके मन में खुशी के रंग लगना चाहिए।
असम की बरपेटा में होली की खूब धूम है। यहाँ पर होली को डोल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर होली के दिन ऐतिहासिक बरपेटा सत्र की शुरुआत हो जाती है। कोलकाता में डोल उत्सव की धूम देखी जा रही है। होली के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बड़े ही नहीं बच्चे भी पारंपरिक नृत्य के साथ होली के रंग में सराबोर हुए। होली का त्यौहार ऐसा होता है जिस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सवाई माधोपुर में जमकर गुलाल उड़ रहा है। लोगों के रंग बिरंगे चेहरे अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सवाई माधोपुर में होली को लेकर कितना हर्षोल्लास है। रणथंभौर में विदेशी पर्यटक भी होली मनाने में पीछे नहीं रहे। उन पर होली का कुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।